Hello friends, welcome to Technical Academy Campus, and in this session we discuss about the best preparation strategy for junior engineering and assistant engineering. This video is especially for the student of electronics and communication in electronics and engineering. So other branches hum log aane wale samay mein video post kar denge. Yadi aap chahte hain ki ye videos aapko mile to aap is channel ko subscribe zarur kar lijiyega. So लेट अस स्टार्ट. सो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर साल डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में, गवर्नमेंट सेक्टर्स में जेई एंड एई के लिए हज़ारों पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट किए जाते हैं. ये रिक्रूटमेंट एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के थ्रू कंडक्ट कराए जाते हैं, जिसमें एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड टेक्निकल क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं. इनमें लगभग 100 क्वेश्चन टेक्निकल पोर्शंस के होते हैं. मींस के टेक्निकल पोर्शन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन दिस एग्जाम. टेक्निकल पोर्शन एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इस एग्जाम में. आपकी टेक्निकल स्किल डिपेंड करती है कि आप कितने अच्छे से इस एग्ज़ाम को डील कर सकते हो. सो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है कि हाउ टू प्रिपेयर दिस एग्ज़ाम, कि इस एग्ज़ाम के लिए हम लोग किस तरह प्रिपेयर करें, विच सब्जेक्ट्स आर यूज टू स्टडी, किन सब्जेक्ट्स को हम स्टडी करें और किन सब्जेक्ट को जो है स्टडी ना करें. वट इज़ द सीक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट का सीक्वेंस होने वाला है, किस सब्जेक्ट को पहले पढ़ें, किस सब्जेक्ट को बाद में, क्या सही सीक्वेंस है इन सभी सब्जेक्ट को पढ़ने का. फ्रॉम विच बुक वी स्टडी, कि हम किस बुक से स्टडी करें कि हमारे सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएं और हमें कम समय में सारा का सारा सिलेबस भी पूरा हो जाए और हमारे परफॉर्मेंस भी एग्ज़ाम में सबसे बेस्ट हो. इन्हीं सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के ये वीडियो है. तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए. सो प्रिपरेशन मेथड कुछ इस तरह से होगा कि हम अगर चाहते हैं कि हम टेक्निकल पोर्शन के लिए, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ टेक्निकल पोर्शन के लिए ही है, तो टेक्निकल पोर्शन के लिए ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि टेक्निकल पोर्शन के लिए अगर आप चाहते हैं कि प्रिपेयर करें तो उसमें लगभग टोटल ड्यूरेशन लगभग 1 से 1.5 साल लगता है. 1 से 1.5 साल में आप पूरा सिलेबस कवर कर लोगे विद प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन. क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हुए भी आप लोग 1 साल में सभी सब्जेक्ट्स को कवर कर सकते हैं. एक ईयर प्रिपरेशन होती है, 1 से 1.5 साल आपको लगता है. सो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो 1 साल तैयारी कर रहे हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है कि सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो तो आपके लिए बेस्ट टाइम है कि आप लोग अभी से स्टार्ट कर दें प्रिपरेशन. चाहे आप वीडियोस देखें, सेल्फ स्टडीज़ कीजिए, आप अपने सेमेस्टर्स में होने वाले सब्जेक्ट्स और इस वीडियो में दिखाए जाने वाले सब्जेक्ट्स को रिलेट करके भी पढ़ सकते हैं और सेकेंड ईयर से ही आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं. बट अगर आपका एग्ज़ाम बहुत ही पास है कि अभी आपके पास 2 या 3 महीने ही हैं, तो आप लोग सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके उनके कॉन्सेप्ट को समझें, यही आपके लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी होगी तैयारी करने की. परंतु जो लोग अभी सेकंड ईयर में हैं और या फिर लास्ट ईयर में हैं, तो वो लोग अगर अभी से स्टडी करते हैं, अभी से स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन, तो उनके लिए बेस्ट होगा क्योंकि वो सभी सब्जेक्ट को थॉरली पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे से. कॉन्सेप्ट बिल्डिंग से, जैसा कि हमारा सेकंड हमारा पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ सब्जेक्ट विद कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है. सभी सब्जेक्ट को हम कॉन्सेप्ट बिल्ड कर सकते हैं. तो इस प्रिपरेशन हम लोग यहाँ पर एक प्रिपरेशन स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए. यूज़ वाईवाई एनालिसिस, जिसको हम वाईवाई एनालिसिस कहते हैं. वाईवाई एनालिसिस में हम क्या करते हैं, हम हर पॉइंट के आगे वाई लगाते हैं. हर पॉइंट के आगे वाई लगाने का मतलब है, जैसे कि आप लोग एक एग्जांपल ले सकते हो, वाई वी स्टडी इलेक्ट्रॉनिक्स, वाई इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, वाई इलेक्ट्रॉन्स फ्लो व्हेन कंडक्टर व्हेन करंट फ्लो थ्रू कंडक्टर. तो इस तरह से आप लोग कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर सकते हैं. ये एक एग्जांपल है, आप लोग अपने सब्जेक्ट में वाईवाई एनालिसिस का यूज़ करें तो आपको बेस्ट कॉन्सेप्ट बिल्डिंग मेथड है. थर्ड पॉइंट है नोट मेकिंग कंटेन ट्रिक्स एंड मेमोरी एड्स. ऐसे नोट्स हम लोग बनाने चाहिए जिनमें ट्रिक्स और मेमोरी एड्स को भी ऐड करना चाहिए. नोट्स सेपरेट बनाने चाहिए, सभी सब्जेक्ट के नोट्स सेपरेट बनाने चाहिए और सभी सब्जेक्ट को में ट्रिक्स और मेमोरी एड्स भी ऐड करने चाहिए. ट्रिक्स वे जो जिनसे क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए और मेमोरी एड वे जो कॉन्सेप्ट को हम लोग रिकॉल करें तो जल्दी से रिकॉल हो जाए. तो वो मेमोरी एड्स, जैसे कि हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते थे, हम लोग पीरियोडिक टेबल को याद करने के लिए अलीना की रबड़ी सब सस्ती, ऐसे कुछ मेमोरी एड्स बनाते थे, तो ऐसे मेमोरी एड्स आप लोग बना सकते हैं. फोर्थ इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग. आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जो भी आप टॉपिक पढ़ते हैं, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप बुक ले सकते हैं. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, तो उन बुक्स के थ्रू आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर सकते हैं प्रैक्टिस और उन्हीं कॉन्सेप्ट
से बिल्ड कर उन्हीं क्वेश्चंस को अच्छे से करके आप लोग इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग चलते सब्जेक्ट फॉर ईसी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। सब्जेक्ट्स क्या होने वाले हैं, हम किस सब्जेक्ट को किस सीक्वेंस में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट हमारा सर्किट थ्योरी, फिर हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, फिर हम लोग पढ़ते हैं एनालॉग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, देन माइक्रोप्रोसेसर एंड इंटरफेसिंग, फिर हम बेसिक सिग्नल्स एंड सिस्टम पढ़ते हैं, एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। सो सीक्वेंस कुछ इसी तरह से होता है कि हम लोग सबसे पहले सर्किट थ्योरी पढ़ते हैं, उसके कॉन्सेप्ट हमारे बेसिक इलेक्ट्रिकल में यूज़ होते हैं, इसलिए हम सबसे पहले सर्किट थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद हम बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हैं, फिर हम लोग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं क्योंकि सर्किट थ्योरी के कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी यूज़ होते हैं, और फिर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो कि एनालॉग कॉन्सेप्ट सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज़ होते हैं। इसी तरह से हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं, फिर हम माइक्रोप्रोसेसर पढ़ते हैं क्योंकि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के कॉन्सेप्ट हमारे माइक्रोप्रोसेसर में यूज़ होते हैं, एंड फिर हम बेसिक्स ऑफ सिग्नल्स एंड सिस्टम पढ़ते हैं क्योंकि बेसिक्स सिग्नल्स एंड सिस्टम के सारे कॉन्सेप्ट हमारे कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में यूज़ होते हैं, इसलिए हम लोग बेसिक सिग्नल्स एंड सिस्टम पहले पढ़ते हैं, उसके बाद कम्युनिकेशन। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि कम्युनिकेशन को भी हमने सब डिवाइड किया है अदर पार्ट में, तो सीक्वेंस कुछ इस तरह से ही रहने वाला है स्टडी का। नेक्स्ट इज सब्जेक्ट फॉर ईसी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, एंड यहाँ पर हम लोग कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन में क्या क्या पढ़ना है हमें। कम्युनिकेशन में हम लोग 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है कम्युनिकेशन को, सबसे बड़ा सब्जेक्ट रहने वाला है कम्युनिकेशन और सबसे ज़्यादा टाइम लेने वाला है, जिसमें एनालॉग कम्युनिकेशन है, डिजिटल कम्युनिकेशन है, माइक्रोवेव एंड एंटीना है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। तो ये सभी सब्जेक्ट हम लोग कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में इसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे, सीक्वेंस में यहाँ पर हमने लिखा गया है। फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पर, ये जो वीडियो है हमारी, ये सर्किट थ्योरी को डेडिकेटेड है, सिर्फ फर्स्ट जो हमारा चैप्टर रहता है, फर्स्ट जो सब्जेक्ट रहता है सर्किट थ्योरी, सिर्फ उसको डेडिकेटेड है, और आने वाले समय में हम लोग जो बाकी बचे सब्जेक्ट्स हैं उनको भी उनकी भी वीडियोस आपको शेयर करेंगे, बट उसके लिए आपको हमें सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो रिकमेंडेड बुक किन बुक से आप लोग इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, वो है ए चक्रवर्ती, बहुत अच्छी बुक है, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें हैं, ए चक्रवर्ती आप लोग मार्केट से ले सकते हैं। यू ए बख्शी एंड ए वी बख्शी, इसमें भी बहुत सारे अच्छे कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं और क्वेश्चन भी बहुत सारे हैं, यू ए बख्शी एंड ए वी बख्शी, इसका भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं जो लोग चाहते हैं कि कॉन्सेप्ट को जल्दी से ग्रैब करना और जल्दी से अपने सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर करना, तो यू ए बख्शी और ए वी बख्शी को ले सकते हैं। और रॉय चौधरी की स्टैंडर्ड बुक है जो कि सर्किट थ्योरी के लिए अच्छी बुक है, ये सब बुक्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं जो भी स्टडी करना चाहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी फॉर सर्किट थ्योरी, सर्किट थ्योरी के लिए हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है। सबसे पहले हमें बेसिक्स ऑफ नेटवर्क पढ़ना है, बेसिक्स ऑफ नेटवर्क्स में हम लोगों को नेटवर्क्स एंड इट एलिमेंट्स, मींस नेटवर्क्स के एलिमेंट्स और नेटवर्क्स को समझना है, और नेटवर्क की डेफिनेशन को पढ़ना है, एलिमेंट्स की डेफिनेशन को पढ़ना है, और नेटवर्क के टाइप को पढ़ना है, एलिमेंट्स के टाइप को पढ़ना है, फिर हमें ओम्स लॉ पढ़ना है, एप्लीकेशंस ऑफ ओम्स लॉ, एंड फिर हमें पढ़ना है किरचॉफ लॉ, नेटवर्क सिंप्लीफिकेशन मेथड, जिसमें हम नेटवर्क सिंप्लीफिकेशन मेथड्स में हम प्रोपोर्शनलिटी लॉ पढ़ते हैं, और हमारे नेटवर्क किस तरह सिंप्लीफाई करें ये पढ़ते हैं, स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन भी इसी टॉपिक में हम लोग कवर कर लेते हैं, फिर हम नेटवर्क थ्योरम पढ़ते हैं, नेटवर्क थ्योरम में हम लोग सुपरपोजिशन, थेवेनिन, नॉर्टन, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, मिनिमम कंपनसेशन, रेसिप्रोकिटी, ये सभी थ्योरम्स हम लोग पढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग आगे तो एसी फंडामेंटल और सर्किट में हमें क्या क्या पढ़ना है, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वोल्टेज एंड करंट, जैसे इंस्टेंटेनियस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, पीक वैल्यू एक्सेट्रा, सम डेफिनेशन लाइक साइकिल फ्रीक्वेंसी एक्सेट्रा, फेस एंड फेज डिफरेंस, फेजर डायग्राम, इंपीडेंस इन एसी सर्किट, पावर एंड इन एसी सर्किट, पावर फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर, रिजोनेंस इन सीरीज एंड पैरेलल सर्किट, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, एपरेंट पावर, एंड लास्ट इज बैंडविड्थ। तो इसी फंडामेंटल में हम ये सब टॉपिक पढ़ें तो हम लोग अच्छे मार्क्स अटेंड कर सकें। सो फ्रेंड्स, इसी सीरीज में हम लोग फोर्थ चैप्टर हमारा जो है, जो ट्रांजिएंट एनालिसिस के नाम से होता है, इसमें हमें डीसी ट्रांजिएंट ऑफ आरएलआरसी एंड आरएलसी पढ़ना है, एसी ट्रांजिएंट ऑफ आरएलआरसी एंड आरएलसी पढ़ना है, उनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना ना भूलिएगा। टू पोर्ट नेटवर्क इज द फिफ्थ चैप्टर एंड द लास्ट चैप्टर वी शुड स्टडी, जिसमें हमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क्स एनालिसिस, जेड वाई एच ए बी सी डी, स्मॉल ए बी सी डी, इन्वर्स हाइब्रिड, इन्वर्स ट्रांसमिशन पैरामीटर एंड देयर इंटररिलेशंस, ये सभी टॉपिक्स पढ़ने हैं फ्रेंड्स।
फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हमने बहुत सारे एनालिसिस किया था, ये सारे के सारे टॉपिक्स हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से सेलेक्ट किए हैं, और ये सभी के सभी टॉपिक्स से बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे हैं, लेकिन कुछ सब एडिशनल टॉपिक्स हैं जैसे कि ग्राफ थ्योरी, नेटवर्क फंक्शन एंड फिल्टर्स, तो इन टॉपिक से भी कुछ क्वेश्चंस दिए गए थे डिफरेंट एग्जाम्स में, तो आप लोग इन सबको फिफ्थ चैप्टर को प्रिपेयर करने के बाद आप लोग ग्राफ थ्योरी, नेटवर्क फंक्शन को भी प्रिपेयर कर ले और फिल्टर्स को भी प्रिपेयर कर ले, तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट होगा। ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है सर्किट थ्योरी को रेडी करने की, प्रिपेयर करने की, और बाकी सब्जेक्ट्स की आने वाली वीडियो, बाकी सब्जेक्ट्स की वीडियोज़ आपको आने वाले वीडियोज़ में मिल जाएंगे। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपको आने वाली वीडियोस के बारे में जानकारी लेनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।